नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। ग्वालियर में गुड्डी नाम की महिला की बेटी गायब होने के बाद वह पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगभग 4 महीने पहले लक्ष्मी नाम की महिला बच्ची चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी। इस बात की जानकारी गुड्डी को लगने पर उसने जेल जाकर लक्ष्मी से पूछताछ की। लक्ष्मी ने बताया कि उसने अंचलेश्वर मंदिर से उसकी बेटी को चुराया था। गुड्डी ने ये बात पुलिस महकमे के आला अधिकारियों को बताई, लेकिन उन्होंने गुड्डी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। पीड़ित महिला का कहना है कि अगर लक्ष्मी और उसके परिवार वालों से सख्ती से पूछताछ की जाए तो उसकी बेटी मिल सकती है। मेरी बच्ची को 2013 में गायब हुई थी और अचलेश्वर के मंदिर से गायब हुई है। 2 बेटी मेरी भंडारे में बैठा ली उसने लक्ष्मी ने, और 1 बेटी अपने पगल में बैठा ली उसने। 2 बार मिलाई कराई जेल पे जाके नहीं, तो वो कह रही है कि मेरे को तू अपना घर बता दे तो मैं तेरे घर पे बच्ची छुड़वा दूंगी। उसमें पुलिस भाई कोई कार्रवाई नहीं करे। पुलिस के मैं SP साहब से कई बार मिल चुकी हूँ यहाँ पे आके जी बात पे, तो उसमें बस ये कह रहे हैं कि हाँ भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं बस, और मेरे को कोई कार्रवाई नहीं दिख रही। उसमें मेरा कहना ये है उसी लक्ष्मी की बेटी और बहू को थाने में आना चाहिए, तो मेरी बेटी जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। मैं SP साहब से मिल के आई हूँ सर। SP साहब भी कह रहे हैं भाई हम भी लगे हुए हैं और तेरी बेटी, हम तो ये चाह रहे हैं कि तेरी बेटी मिल जाए। तो साहब ऐसे बेटी थोड़ी मिलेगी, आप कुछ आगे कार्रवाई नहीं करोगे तो कैसे मेरी बेटी मिल सकती है। उसमें पुलिस कुछ कार्रवाई करे तो मेरी बेटी मिल जाएगी, और मेरा बार बार निवेदन यही है कि मेरी बेटी मिलना चाहिए। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट न्यूज आज, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।